तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दसवीं की मैथ प्रश्नावली 3.5 का चौथे प्रश्न का तीसरा सवाल मैं कराऊंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस शानदार और जानदार प्रश्न को करने के लिए? तो सामने देखेंगे सभी लोग, इसमें क्या पूछा गया है। यश ने एक टेस्ट मैच में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो लाइन दोस्तों यहाँ तक एक स्टेटमेंट यानी कि एक समीकरण यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं। ये तो पहली बात हो गई यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण यहाँ से तैयार करेंगे जिसमें पूछा गया है कि उसे सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक कटते हैं, ठीक है, उसके 2 अंक कटते हैं, तो यश ने टोटल 50 अंक प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि अर्जित किए, यानी कि उसे मिले। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब हमें ये नहीं पता कि इसने कितने प्रश्न सोल्व करे, यानी कि उसका उत्तर दिया है और कितने गलत उत्तर दिया हमें नहीं पता, लेकिन अगर एक सही उत्तर दिया जाता है तो उसे 3 अंक मिलते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि माना कि यश, ठीक है, यश ने सही उत्तर दिए, तो वो उत्तर क्या दोस्तों, एक्स, यानी कि कितने सही उत्तर दिया हमें पता नहीं है, तो उसी को हमने एक्स मान के चल रहे हैं। उसके बाद, ठीक है, माना यश ने गलत उत्तर दिए। अब हमें ये भी नहीं पता कि उसने कितने गलत उत्तर दिए हैं, तो उसको भी हम क्या मान के चलेंगे, वाई, ठीक है। जिसने अगर सही उत्तर दिए और ये नहीं पता कितने उत्तर दिए, तो कितने उत्तर दिए उसने से उसका एक्स, कितने गलत उत्तर उसने दिए, ये क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ पे बताएंगे, अगर ये बोला कि अगर एक प्रश्न के लिए उसे सही उत्तर के लिए, यानी कि एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा कि एक, अब यहाँ पे सामने देखिए, जैसे अब हमें ये तो नहीं पता है कि उसको कितने, उसने कितने प्रश्न सोल्व करें, लेकिन अगर वो एक सही देता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों। मान चलिए कि एक व्यक्ति ने 2 प्रश्न सोल्व करें और अगर एक के लिए उसे 3 अंक मिलते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा, 6 अंक मिल जाएगा, यानी कि 6 नंबर मिल जाएगा। किसी व्यक्ति ने 3 प्रश्न सोल्व करे हैं और एक के लिए 3 मिलते हैं, तो 9 अंक हो जाएगा उसे। तो लेकिन हमें यही तो नहीं पता कि वो संख्या कितनी है जितने उसने सोल्व करे, तो उसको हमने एक्स मान के चला और इसीलिए मैंने इसको 3 से गुना करा, क्योंकि ये 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहला समीकरण कि उसने कितने प्रश्न सोल्व करे वो नहीं पता, लेकिन एक प्रश्न के लिए उससे 3 अंक दिए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, गुना करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर उसके बाद उसने कितने गलत उत्तर दिए तो वो हमें नहीं पता, उसका हमने क्या करेंगे दोस्तों, वाई मान के चलेंगे, और एक गलत उत्तर के लिए उससे 1 अंक दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 लगेगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ कि उसने कितने गलत उत्तर दिए वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर एक गलत उत्तर दिया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, 1 अंक काट दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ वाई का वाई लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाई से भी हमारा काम चल जाएगा। और सबको मिलाकर उसने 40 अंक अर्जित करे, सबको मिलाकर उसने कितने अंक अर्जित करे दोस्तों, अर्जित मतलब प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए, तो ये हो जाएगा समीकरण आपका क्या हो जाएगा, पहला। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली शर्त से, ठीक है, पहली शर्त से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहा गया है, ज़्यादा सोचिए नहीं, सामने देखेंगे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अब इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि उसने कितने सही उत्तर दिए पता नहीं है, लेकिन अगर एक उत्तर सही देता है तो उसे 4 अंक मिलते हैं, और कितने सही उत्तर दिए वो हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं दोस्तों, 2 अंक, यानी कि 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो हमें यह नहीं पता कि उसने कितने गलत उत्तर दिए हैं जिसको हमने वाई माना था, और अगर उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, ठीक है, और टोटल कितना अंक हो जाएगा यहाँ पे, 50। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक सिंपल सी बात यहाँ पे, कि अगर मान ही चलिए कि उसने एक नंबर सोल्व करे, यानी कि ये है प्रश्नों की संख्या, और अगर उसे 1 गलत दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर एक प्रश्न के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कितने प्रश्न सोल्व करें, तो ये हमें गुना कर देंगे तो 4x आ जाएगा। उसी प्रकार कितने उसने गलत उत्तर दिए हमें नहीं पता, लेकिन एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। बस यही सारा खेल है, और ज़्यादा खेल है नहीं है,
क्योंकि अगर आप इसको आसान समझेंगे तो आसान होगा, कठिन समझेंगे तो कठिन होगा। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है। इसमें मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि, क्योंकि इसमें कौन सी विधि करना है ये नहीं बताएगी, तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको क्या करना होता है कि पहला जो टर्म होता है दोस्तों, पहला जो टर्म होता है, पहली जो संख्या होती है, उसको एक जैसा करना होता है, या तो फिर इन दोनों को एक जैसा कर दीजिए, या तो फिर सेकेंड वाला यानी कि बाई और बाई को एक जैसा कर दीजिए। तो हम ऐसे क्या करें, तो एक बात मैंने सोचा यहाँ पर कि अगर मैं इस पूरे समीकरण को, ठीक है, अगर मैं इस पूरे समीकरण को जैसे कि लिखा गया है, इस पूरे समीकरण को अगर मैं 4 से गुना कर देता हूँ और इस पूरे समीकरण को अगर मैं 3 से गुना कर देता हूँ, तो 4 तक कितना हो जाएगा 12x और 3 चौक कितना हो जाएगा 12x, यानी कि हमारा पहला जो टर्म है वो एक जैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे 4 के टेबल मांगे 3x से करूँ तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, 4 के टेबल 22 से करूँ कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। उसको 4 का गुना कर मैं 40 से करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे रेडी है। उसके बाद इसको इससे गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12x। अगर इसको मैं इससे गुना करूँगा ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए, तो 2 के कितना हो जाएगा दोस्तों 6y हो जाएगा, और बराबर में इसको इससे गुना करूँ तो कितना हो दोस्तों, ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण में से दूसरे को घटा दीजिए। क्या करें दोस्तों, पहले समीकरण में से आप दूसरे को घटा दीजिए। तो कैसे घटेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले समीकरण, ठीक है, से 2 को दूसरे समीकरण को घटाने पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहला समीकरण कौन सा है, ये वाला, जहाँ पे लिखो 12x 4y और 160, ये वाला नहीं लिखा जाएगा जो पहले था दोस्तों, जो हमने गुना करके जो बाहर निकाला है, ठीक है, ये लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को हमने आसानी तरीके से सोल्व किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी के नीचे आपको ये वाला नंबर लिख देना है, दूसरा समीकरण 12x मास का कितना हो जाएगा 6y, बराबर में कितना हो जाएगा 150, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको घटाते हैं, इसमें से आपको एक चीज़ करना होता है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का निशान, या माइनस है तो यहाँ पे प्लस का निशान, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस का निशान, नीचे वाला निशान बदल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि अगर मैंने ये प्लस का निशान है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 12x दोनों कट जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो 4 में से दो नहीं घटा सकता हूँ, लेकिन 6 में से 4 घटा सकता हूँ, क्योंकि 4 में से 6 नहीं घटा सकता हूँ, तो 6 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 2y, ठीक है ना, कितना बचेगा दोस्तों, ये मेरे पास बचेगा 2y। उसके बाद कोई निशान नहीं तो प्लस का है दोस्तों, प्लस ऊपर है और माइनस नीचे, तो ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला निशान देखना, याद रखना, सबसे ऊपर वाला निशान और सबसे नीचे वाला निशान आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं 160 में से अगर मैं इसको 150 घटा दूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ठीक, क्या बताइए, तो मेरे पास बचेगा ये 10, ठीक है, 10 बचेगा। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये बचेगा 2y और ये हो जाएगा 10, तो y को y इधर ही लिखेंगे, 10 का 10, क्योंकि दोस्तों गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो 2 के टल में 10 आता है 5 बार में, तो y बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5 आ गया, है ना दोस्तों। आसान है कि नहीं है, एक बार मुझे कमेंट करके बताया दोस्तों, आसान है या नहीं है, अगर आसान है तो फिर मैथ से घबराने की जरूरत ही नहीं है, बस आगे करने की जरूरत है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वाई आया है दोस्तों, इस वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है ना, समीकरण, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 कौन सा था, ये वाला था दोस्तों, याद है आपको, जो हमने पहले बनाई थी, यानी कि 3xy बराबर में कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसी समीकरण पे आपको क्या रखना है, इस y का मान रख देना, तो 3 का 3 लिखेंगे, ठीक है, 3x का 3x लिखेंगे, उसके बाद y आ गया, तो y की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे, जो हमने निकाला था अभी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 40, तो 3x ये हो जाएगा, उसके बाद बराबर का निशान और ये हो जाएगा 40, क्योंकि माइनस का 5 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3x 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ आसानी तरीके से समझाने के लिए, तो मेरे पास एक बात समझ में आती है कि अगर ये गुना का निशान है तो नीचे आ जाएगा भाग का निशान, जिनमें से 15 के टेबल में 45 आ जाएगा, 3 के टेबल अगर 15 बार पढ़ता हूँ तो 15 बार में 45 कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है, मेरा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों, y आ गया 5 और x आ गया 15। तो अब सवाल ये उठता है कि y और x क्या है दोस्तों, ये वो अंक है दोस्तों, ये वो नंबर है 15 सवाल जो उन्होंने
गलत दिए थे और ये वो नंबर आए जो इन्होंने गलत उत्तर दिए थे। यानी कि अगर बात करूँ जिसमें पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या अगर बात करूँ दोस्तों, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये वो चीज़ क्या है दोस्तों, कि मान कि उसने सही उत्तर दिए थे x, ये जोड़ दीजिए, और उसने गलत उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या वो थी y। तो जैसे कि आप सभी को पता है, और जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि x हमारे कितना आ गया, 15 आ गया, और y का मान कितना है दोस्तों, y का मान मेरा आ गया 5, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 20 अंक, ठीक है ना, 20 नंबर वो है दोस्तों जो इसने 20 प्रश्न किए थे टोटल, यानी कि सबको मिलाकर कितना दोस्तों, इसने 20 प्रश्न ही सोल्व करे थे। जो हमारे पास यहाँ पे कुल प्रश्न, कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे, या हमारे कुल टेस्ट में जितने प्रश्न थे वो यहाँ पे 20 आ चुका है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों किसी प्रकार की समस्या या समाधान के लिए इस वीडियो को नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अपने जवाब हमें तुरंत भेजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के नमस्ते, आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।